तमाम विरोध के बाद हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक आहत की गई। टाउन हॉल में आयोजित हुई बैठक में सबसे पहले विभिन्न समितियों के चुनाव संपन्न कराए गए। कार्यकारिणी समिति और विकास समिति के चुनाव में भाजपाई पार्षदों का वर्चस्व रहा। 60 सदस्यों वाले हरिद्वार नगर निगम बोर्ड में 33 पार्षद भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के महज 19 पार्षद हैं। बैठक में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अधिकारियों ने भी चैन की सांस ली। आपने देखा, यहाँ नगर निगम की पहली बैठक थी और कार्यकारिणी समिति और विकास समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। कार्यकारिणी समिति के 12 मेंबर और विकास समिति के 10 मेंबर सारे के सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और आपसी सहमति से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हरिद्वार की टीम है, हरिद्वार की विकास के लिए, हरिद्वार के अच्छे साफ सफाई स्वच्छता के लिए, तो इस टीम ने तय किया है, सारे पार्षदगणों ने तय किया है, आपस सहमति से तय हुआ है। और 12 पदों के लिए कार्यकारिणी समिति के 12 नामांकन ही प्राप्त हुए, विकास समिति के 10 पद थे, 10 ही नामांकन प्राप्त हुए, तो सर्वसम्मति से चयन हुआ है। बता दें कि ये बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन विरोधाभास के चलते बैठक संपन्न नहीं हो सकी थी। हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।